जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खगड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने जिले में संचालित जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और 2200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस योजना का लाभ आने वाले समय में लोगों को मिलेगा। लीजिएगा, आने वाली पीढ़ी की रक्षा के लिए ये जो जलवायु परिवर्तन है इसको रोकना जरूरी है और इसी के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। याद रखिएगा, जल है, हरियाली है, तभी जीवन सुरक्षित है, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, जीव जंतु सबकी सुरक्षा के लिए जल का संरक्षण और हरियाली की वृद्धि ये करना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोगों ने जो संकल्प प्रकट किया है उस दिन मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और बिहार का ये काम भी जरूर आगे बढ़ेगा, मत चिंता करिए। बिहार में ही हर घर बिजली का कनेक्शन हम लोगों ने शुरू किया, आज देश भर की योजना बन गई। बिहार में हम लोगों ने शुरू कराया हर घर नल का जल, आज देश भर की योजना बन गई। 26 जनवरी को दिल्ली में जल जीवन हरियाली अभियान की झांकी को केंद्र सरकार द्वारा ठुकराए जाने से सीएम नीतीश कुमार नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि झांकी को अस्वीकार करने से बिहार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीएम ने कहा कि बदलते जलवायु परिवर्तन और कम होते आंतरिक जल स्रोतों से बचने के लिए लोगों को जल जीवन हरियाली अभियान पर काम करना ही पड़ेगा। जल जीवन हरियाली अभियान है, आज पता नहीं लोगों के दिमाग में आ जाता है कि 26 जनवरी को यहाँ से भेजा था, वो इसमें नहीं मंजूर किया। अरे उसे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जल जीवन हरियाली अभियान बिहार का ऐसा है, लोग बिहार के लोगों को ठीक ढंग से नहीं समझते हैं। अरे बिहार के लोगों की ऐसी प्रतिबद्धता है कि अपनी प्रतिबद्धता के सहारे जल जीवन हरियाली अभियान को इतना बुलंदी से चलाएंगे कि जो जलवायु का परिवर्तन है उसको रोकेंगे और उदाहरण पेश करेंगे, शायद दूसरी जगहों पर भी, दूसरे देशों में भी इसका लोग अनुकरण करेंगे। इसलिए मन बुलंद करिएगा, बिहार के लोग मन के बहुत अच्छे हैं और हम तो यही आग्रह करें कि हम सब लोगों को मिलकर काम करना। समाज में झगड़ा लगाने की भी बहुत लोग कोशिश करते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम का, भाईचारे का भाव रखना चाहिए, मिलकर चलें, हम सब एक दूसरे की इज्जत करें। इतना ही नहीं, बढ़ती हुई जनसंख्या पर भी सीएम नीतीश कुमार ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जनसंख्या काफी ज्यादा हो गई है। आज जान रहे हैं बिहार क्या स्थिति है, हमारा प्रजनन दर कितना ज्यादा, कितनी आबादी है, 94,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 12 करोड़ से ज्यादा ही जनगणना हो। आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील भी कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए खगड़िया से अमित कुमार की रिपोर्ट।